पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये दास्तां है एक बहुत ही अनोखे कलाकार की, जिसने बतौर लेखक शुरुआत की। उसके बाद ये बने भारतीय सिनेमा के महानतम फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स में से एक। नाम है जिनका नासिर हुसैन खान। ऐसा बताया गया कि नासिर हुसैन खान साहब का जन्म हुआ 16 नवंबर सन 1926 में। शहर था भोपाल। पांच भाई बहनों में इनका नंबर चौथा था। इनके पिता जाफर हुसैन खान इतिहास पढ़ाया करते थे और अम्मी आमना घर संभालती थीं। हालांकि इनके परिवार में कोई भी थिएटर या फिल्म का शौकीन नहीं था, बल्कि ये कहा जाता था कि इस काम से दूरी रहा जाए तो बेहतर है। लेकिन नासिर हुसैन साहब बचपन से ही थिएटर के प्रति आकर्षित थे। छोटे छोटे नाटक ये करते और खूब अच्छी किताबें पढ़ते। इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया जब ये मात्र 13-14 बरस के थे। ये भी एक वजह रही कि ये बड़ी सरलता से कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे ये भोपाल से लखनऊ पहुंचे, जहां पर इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ये वो वक्त भी था जब इन्होंने कुछ लघु कथाएं लिखी और कुछ रेडियो नाटक भी। कभी कभी उन रेडियो नाटकों में ये काम भी किया करते। इनकी एक लघु कथा के लिए एक उर्दू मैगजीन द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था। बाद में जाकर उसी कहानी पर इन्होंने फिल्म बनाई थी, बहारों के सपने। तकरीबन एक बरस तक ये एक सेक्रेटरी के रूप में काम करते रहे। उसके बाद ये मुंबई चले गए। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से जरा जान पहचान बढ़ी। उस जमाने के मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर सशादर मुखर्जी से इन्होंने बातें की और कहा कि मैं एक राइटर हूँ, यदि आपकी कंपनी में मुझे काम मिले तो बहुत अच्छा होगा। सशादर मुखर्जी ने इन्हें बतौर राइटर काम पे रख लिया और तकरीबन 10 बरस तक ये मुखर्जी साहब के साथ काम करते रहे। ब्रिलियंट बॉय। फिल्में लिखी चांदनी रात, शबनम, शबिस्तान, शर्त वगैरह वगैरह। लेकिन फिल्म मुनीम जी और पेइंग गेस्ट ने तो कमाल कर दिया। इसके बाद तो इनकी निकल पड़ी। ये किस्सा भी मशहूर रहा कि फिल्म मुनीम जी की शूटिंग के दौरान इनकी मुलाकात हुई असिस्टेंट कोरियोग्राफर मार्गरेट फ्रांसिना लुइस। इन दोनों की दोस्ती प्यार में तब्दील हुई और आगे जाकर इन्होंने शादी की। मार्गरेट फ्रांसिना लुइस ने अपना नाम आयशा खान रख लिया। इस शादी से इन्हें दो बच्चे हुए, मंसूर खान और नुजत खान। मंसूर खान वही जिन्होंने कयामत से कयामत तक और जोजीता भाई सिकंदर जैसी सुपरहिट फिल्में डायरेक्ट की और आमिर खान जैसे अव्वल नंबर के कलाकार फिल्म इंडस्ट्री को दिए। गौर करने वाली बात यह है कि आमिर खान नासिर हुसैन के भतीजे हैं। नासिर हुसैन साहब ने ही इन फिल्मों को प्रोड्यूस किया था, पर इससे भी बहुत पहले नासिर हुसैन साहब ने अपना जलवा दिखाया था फिल्म तुमसा नहीं देखा में। शमी कपूर एक सुपरस्टार बन के उभरे थे और इस फिल्म के बाद नासिर हुसैन साहब ने भी पलट के नहीं देखा था। देखा, उन्होंने बुक कर लिया, आप भी फौरन साइन कर लीजिए वरना पिक्चर लगते ही आसमान पे चढ़ जाएगा। शमी कपूर साहब के साथ इनकी गहरी दोस्ती भी रही और बहुत ही अच्छा काम इन दोनों ने साथ किया। दिल दे के देखो, तुमसा नहीं देखा, तीसरी मंजिल, इन फिल्मों को कौन भूल सकता है। आशा पारिक भी इनकी फिल्मों का बड़ा जबरदस्त हिस्सा बनके उभरी थी। और बहुत वक्त के बाद आशा जी ने यह बताया भी, नासिर हुसैन साहब के साथ इनकी कुर्बतें बहुत थीं, पर चूंकि नासिर हुसैन साहब पहले से शादीशुदा थे और आशा जी किसी का परिवार नहीं तोड़ना चाहती थीं, इस वजह से ये प्यार शादी तक ना पहुँचा। अपने भैया को बताइएगा नहीं कि मैं आई थी। तो फिर क्या कहूँ? कुछ भी नहीं, आपको मेरी कसम। अच्छा, मैं चलती हूं। कलर्ट सिनेमा में यादों की बारात, हम किसी से कम नहीं, जमाने को दिखाना है ऐसी सुपरहिट फिल्में साबित हुईं, जिसने ये बता दिया कि नासिर हुसैन जबरदस्त कमर्शियल सिनेमा के साथ इंसाफ कर सकते हैं। कुछ फिल्में ऐसी भी रहीं जिन्होंने वो कमाल नहीं दिखाया जितनी की उनसे उम्मीद की जा रही थी। बड़े से बड़े स्टार आए और गए, पर नासिर हुसैन साहब की फिल्में सब पे गहरा असर छोड़ती रहीं। ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा था कि कलर्ट सिनेमा, नासिर हुसैन बतौर प्रोड्यूसर डायरेक्टर फिल्म लाइन की बाजी जीतते जा रहे थे। जब इनकी शरीक हयात आयशा खान का इंतकाल हुआ तो नासिर हुसैन साहब बहुत टूट गए। उनका इंतकाल हुआ था सन 2001 में। इनके भाई ताहिर हुसैन भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर बने। उन्हीं के बेटे हैं आमिर खान और भतीजे फैजल खान भी फिल्मों का हिस्सा बने। और इनका एक और भतीजा जो फिल्म यादों की बारात और हम किसी से कम नहीं फिल्मों में नजर आया था, तारिक खान, वो भी इन फिल्मों की बदौलत बहुत मशहूर हुए। इनके पोते हैं इमरान खान।
नासिर हुसैन साहब ने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर दिए थे। फिल्मिस्तान स्टूडियो से लेकर अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस इन्होंने बनाया था। कयामत से कयामत तक, जोजीता भाई सिकंदर, इन फिल्मों के लिए इन्हें अवार्ड से भी नवाजा गया। और फिर वो घड़ी आई जिसने नासिर हुसैन को सबसे छीन लिया। 13 मार्च सन 2002 मुंबई शहर में इनका इंतकाल हो गया। भारतीय सिनेमा के इतिहास में नासिर हुसैन वो कलाकार हैं जिन्होंने हमें सुनहरा दौर दिया और अपनी कला के जरिए ये अमर हो गए। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें People and History।